नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हे गोरखनाथ, आप सत्य अचल त्रिगुण जयी और दिव्य गुणों के कारण स्तुति के योग्य हो। मैं आपके मोह विनाशक चरण कमलों में अधीर हो दिन रात आपकी स्तुति करता। हे दीन बंधु, मुझ गरीब के आप ही आधार हो। हे गुरुदेव, आपकी भक्ति और वैराग्य आदि विनाशी उपासना से मनुष्य महान ब्रह्म तत्व द्वारा अति सामर्थ्यवान बन जाता है। परंतु इस प्रकार के वाक्य मेरे मुख से उच्चारित होने पर भी हृदय को कुछ नहीं भाता। इस कारण हे गुरु गोरखनाथ महाराज, आप ही मेरे आराध्य देव हैं, कृपा कर मेरी विनती स्वीकार करें। हे गोरख गुरु, आप सत्य के पृथक स्वरूप हैं। आप पर अनुराग होने से मनुष्य पूर्ण निष्काम होता है और शीघ्र ही अज्ञान से मुक्त हो जाता है। हे मृत्यु रूप तरंग के बिना शक आपके चरण मृत्यु जगत में अमृत स्वरूप हैं। इसलिए हे दीन बंधु, आप ही मेरा आश्रय हैं, मेरी विनती स्वीकार करें। हे नाथ, हे गुरु गोरखनाथ महाराज, आपकी सहारी माया पवित्र मंगलमय और अंत में शुभ अक्षर युक्त हो। आपका नाम पाप को भी पुण्य में पवित्र करता है। इस जगत को एकमात्र गति स्वरूप प्रदान करने वाले नाथ, मैं निराश्रय हूं। इसलिए हे दीन बंधु गोरख गुरु, आप ही मेरा आश्रय हैं, कृपा कर मेरी विनती स्वीकार करें। संसार समुद्र पार करने के उपाय बताकर मृत्यु बंधन से छुड़ाने वाले गुरु गोरखनाथ जी महाराज, इस दास का भयभीत मन आपकी शरण में है, दया कर इस दीन की विनती स्वीकार करें। हे गुरु गोरखनाथ महाराज, आप मेरे हृदय की गुफा के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य हो, और वेदों में जिसे पार ब्रह्म कहा गया है वे भी आप ही हैं। हे दीन बंधु, दोनों पर दया कर मेरी विनती स्वीकार करें। आप मेरे चंचल मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए अंकुश स्वरूप हैं। मनुष्य के उद्धार के लिए आप साक्षात हरि हैं। देवता गंधर्व सब तन मन से आपका ही गुणगान करते हैं। हे गुरु गोरखनाथ महाराज स्वामी, मेरी विनती सुनकर मुझ दीन पर दया करें। आप अपने भक्तों की कुल कुंडली जगाने वाले हैं और उनकी हृदय ग्रंथियों को सुलझाने वाले हैं। मेरा मन रात दिन चलाए मान रहता है। हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मेरी विनती सुनकर मुझ पर कृपा करो। आप अज्ञान के शत्रु काम क्रोधी का नाश करने वाले, सुख शांति और अभय प्रदान करने वाले, आपके प्रताप से तीनों प्रकार के आध्यात्मिक भौतिक और दैनिक भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। हे गुरु गोरखनाथ महाराज, आप मेरी विनती स्वीकार करो, मुझ दीन पर दया करें। आप अभिमान रूपी दोष को नष्ट करने वाले हैं। जिनके उद्धार की कोई गति नहीं थी, ऐसे प्राणियों के आप रक्षक हैं। मैं भयभीत होकर आपकी शरण में विनती करता हूं। हे गुरुदेव, मुझ दीन पर दया करो। आपके नाम से सदा शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। आपकी दया से पतित और अधम प्राणी शुद्ध हो गए। आपकी महिमा शुद्ध मन वाले ही गा सकते हैं। हे गुरु गोरखनाथ महाराज, कृपा कर मुझ दीन की विनती स्वीकार करो। हे सदगुरु गुरु गोरखनाथ जी, आपकी जय हो। आपकी ही सहायता से मनुष्य पार ब्रह्म को पाता है। आप संसार के विकार जन्म मृत्यु का दुख नष्ट करते हैं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा मन आपके चरण कमलों में सदा लगा रहे। हे गुरु गोरखनाथ महाराज, मुझ दीन पर दया करो।
आप भव भय को दूर करने वाले हैं, निरंजन महापुरुष काम को दमन करने वाले, साधु संतों को आनंद देने वाले, अहंकार आदि के मद को खंडन करने वाले, संसार बंधन को छुड़ाने वाले, 1400 शिष्यों के स्वामी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आप जन जन के रक्षक, देवताओं के स्वामी, विश्व के विधाता, मंगलों के दाता, बुद्धि की मलिनता और चित्त के संशयों को दूर करने वाले गुरु गोरखनाथ जी महाराज, आपकी जय हो। देवता और मनुष्य जिनकी वंदना करते हैं, सबके मन को मोहित करने वाले, काम क्रोध आदि को मंथन करने वाले, संसार समुद्र की नौका को पार लगाने वाले, जल थल और आकाश को धारण करने वाले गुरु गोरखनाथ जी महाराज, आपकी जय हो। धर्म वेद बंजन करने वाले स्वामी गुरु गोरखनाथ महाराज, मैं आपकी वंदना करता हूं। आप ज्ञान भक्ति वितरण करने वाले, देह में साक्षात शिव हो, शिव हो। आप ग्रह बंधन से मुक्त हो, आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर रखी है। आपका स्वरूप कामदेव से भी बढ़कर है और वाणी वीणा की झंकार के सदृश है। हे गुरु गोरखनाथ महाराज, मेरी विनती स्वीकार करो। आप धर्म की प्रतिष्ठा, धर्म स्वरूप, आप सब अवतारों में श्रेष्ठ गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं विनती कर आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अलख निरंजन, हर हर महादेव। इस विनती से गुरु गोरखनाथ प्रसन्न होते हैं। इस विनती को सुनकर, बार बार सुनकर और अपने मन में जो भी मुराद है, इच्छा है, नेक इच्छा जो है, गुरु गोरखनाथ से कहिए तो गुरु गोरखनाथ जी आपकी विनती स्वीकार करेंगे, ऐसा गोरख पुराण में कहा गया है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।